मिशन 400 के लिए बीजेपी की पूरी टीम जुटी है। टारगेट पर साउथ है और अमित शाह ने यहां कमान खुद संभाली। ये राहुल बाबा पार्लियामेंट में मुझे कहते थे कि धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, ये मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। 28 की 28 सीटें जीतकर कांग्रेस का अकाउंट नहीं खोलने। कल राजस्थान और फिर 1600 किलोमीटर दूर कर्नाटक, जहां 400 का स्कोर कुछ कम हो सकता है, वहां कमान अमित शाह ने संभाली है। अमित शाह ने बेंगलुरु में जेडीएस और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, 28 सीटों पर जीत का टारगेट सेट किया। साउथ इंडिया में कर्नाटक ही वो इकलौता राज्य है जहां बीजेपी ने अपने दम पर सत्ता हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना अब तक का बेस्ट प्रदर्शन किया और कर्नाटक की 28 में से 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। इस बार मुकाबला कड़ा है, कांग्रेस सत्ता में है। सिद्धिरमैया और डीके शिवकुमार ने लोकसभा चुनाव को अपनी साख का सवाल बना लिया है। मेरा इसका इलेक्शन कैंपेन राममय हो गया है। अयोध्या से चली राम लहर का जबरदस्त इफेक्ट यही दिख रहा है। अरुण गोविल के रोड शो का स्वागत किसी आम कैंडिडेट की तरह से नहीं हो रहा। पर्दे के राम को राम जैसा ही प्रेम मिल रहा है। नॉमिनेशन से पहले रोड शो में मेरठ की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा। यूपी के डिप्टी सीएम भी अरुण गोविल के साथ रथ पर सवार हुए। रोड शो के दौरान जय श्री राम के नारों से मेरठ गूंज उठा। श्री अरुण गोविल जी में श्री राम की मूर्ति दिखाई देती है, उनके अवतार रूप में, और सारा हिंदू मेरठ का एक हो गया है। गोविल के आने से अखिलेश की टेंशन बढ़ गई। सपा ने मेरठ से अपने उम्मीदवार भानु प्रताप का टिकट काटा और अब प्रधान को मैदान में उतार दिया। उधर बदायूं में मंच से बीजेपी सांसद संगमित्रा के रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये बात घुमाई जा रही है कि टिकट कटने से दुखी होकर रो पड़ी, लेकिन संगमित्रा तो कुछ और ही कहानी बता रही हैं। मुझे पता था कि आंखों में आंसू देख के यहाँ पर कुछ और का मतलब कुछ और निकलेगा, लेकिन उसके बाद भी वो वीडियो में कैद हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ राजा दशरथ की कहानी का भावुक क्षण था। दरअसल इस बार बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। यूपी टू एमपी चुनाव प्रचार के रंग बिखर रहे हैं। कोई 400 वाली चाय बना रहा है, कोई पति के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहा है। आज हम ही चाय बनावत भाई, कारण कि हमार मोदी जी में 405 पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी इस बार 405 इस देश में अब कोई खोना नहीं चाहेगा। सदियों बाद ऐसे निस्वार संत आए हैं धरती पर। गोरखपुर में रवि किशन 400 पार वाली चाय बना रहे हैं। सिटिंग सांसद और बीजेपी के कैंडिडेट रवि किशन चुनाव प्रचार अनोखे अंदाज में कर रहे हैं। लगातार दूसरी बार बीजेपी ने योगी के गढ़ में रवि किशन को उतारा है। बीजेपी के लिए ये सबसे सेफ सीटों में से एक है। गोरखपुर में रवि किशन का मुकाबला समाजवादी पार्टी के काजल निषाद से है। पिछले चुनाव में रवि किशन ने सपा कैंडिडेट को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी प्रचार का अलग रंग दिख रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के लिए उनकी पत्नी मैदान में उतर चुकी है, घर घर दौरा कर रही है, अपने पति के लिए वोट मांग रही हैं, लेकिन मोहन यादव भी कांग्रेस के गढ़ में धुआंधार कैंपेनिंग कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन में बीजेपी इस सीट पर हार की वजह से 100% स्ट्राइक रेट से चूकी थी। इस बार मोहन खुद मोर्चाबंदी कर रहे हैं।